अप्रैल 19, 2022 रेड चिल्स की तरफ से सबसे पहली अनाउंसमेंट होती है उस मूवी की, जिसके अंदर SRK और राजकुमार ईरानी एक साथ काम करने वाले हैं। अब ये अनाउंसमेंट के बाद ना फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, क्योंकि इसके अंदर पहली बार SRK और राजकुमार ईरानी एक साथ काम करने वाले हैं। अब ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये एक राजकुमार ईरानी मूवी है, तो इसके अंदर कॉमेडी, ड्रामा और इमोशंस तो भरपूर होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वर्ड डंकी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सोशल इशू है, तो भाई हम अमेरिका डोंकी का तरह आए थे भाई, 4 जने बचे भाई, हम भूखे पेट चलने लग रहे 5 दिनों की जंगड़ा में देखे भाई मेक्सिको के, हम ठीक रहे, दोबारा वीडियो पे जंगे भाई सभी भाई आता है भाई, मैं एक बात करना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना आई हो भाई, एक नंबर में चले जाओ भाई। और इसी के चलते हर साल लाखों लोग डंकी बन जाते हैं और अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स गवा बैठते हैं, किसी किसी केसेस में तो अपनी जानें भी गवा बैठते हैं। तो आखिर क्या मीनिंग है इस वर्ड डंकी का, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। डंकी ये एक पंजाबी वर्ड है, जो कि एक इंग्लिश वर्ड का ट्रांसलेशन है, जिसका मतलब होता है डोंकी लाइक या डोंकी रोट। अब पहली बार ये वर्ड सुनने पे ऐसा लगता है कि इसका मतलब होगा गधे की तरह चलना, तो ये बिल्कुल ही गलत है। अब इसका सीधा सीधा मतलब निकालना जाए तो आप समझ लो कि किसी भी कंट्री के अंदर इल्लीगली बॉर्डर क्रॉस कर लेना। एक एग्जांपल के लिए, कोई इंडियन सिटीजन इल्लीगली पाकिस्तान या चाइना चले जाए बिना पासपोर्ट वीजा के, तो उसको बोलेंगे डंकी। अब मैंने यहाँ पर दूसरी कंट्रीज के नाम इसलिए नहीं लिए क्योंकि दूसरी कंट्रीज हमसे बॉर्डरली कनेक्टेड नहीं है। अब वर्ल्ड का सबसे फेमस डोंकी रूट है US मेक्सिको का बॉर्डर, जहां पर हर साल 2 से 2.5 लाख लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और BBC के रिपोर्ट के हिसाब से वो नंबर हर साल डबल होते जा रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने वाले को हम लोग डंकी बोलते हैं, बस उसी तरीके से ये अपकमिंग मूवी कहीं ना कहीं उसी फॉर्मूले पे बेस्ड होने वाली है। और हाल ही में इसका एक ऑफिशियल पोस्टर भी लॉन्च किया था, जिसको देख के फैंस बहुत ही ज्यादा ऑफेंड हो गए थे, क्योंकि इसके अंदर SRK का नाम कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। सिंपली उसके अंदर एक रिलीज डेट लिखी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था राजकुमार ईरानी फिल्म। तो यहाँ पर SRK के फैन बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए थे कि यार हमारे सुपरस्टार का नाम तो तुमने कहीं लिखा ही नहीं। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में यहाँ पर फैंस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस पोस्टर में मिस कर दी थी। एक्चुअली पूरी मूवी का जो रूट है यहाँ पर डायरेक्टर ने वही हिंट कर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग पोस्टर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ जूम करके देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि एक मैप सा बना हुआ है, जिसके ऊपर एक लाइन भी बनी हुई है। तो ये लाइन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो इंडिया से निकल रही है, फिर वो जा रही है पाकिस्तान, अफगान, और फिर वहां से वो यूरोपियन कंट्रीज से निकलते हुए जा रही है सीधा लंदन को। मतलब जो पूरी मूवी का डोंकी रूट होने वाला है वो हमको पोस्टर में ही पता चल जाता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जितनी आसानी से ये जो लाइंस कंट्रीज के बीच में खींच दी गई है, इतना आसान इन कंट्रीज को पार करना बिल्कुल भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर US मेक्सिको के बॉर्डर पे ही ध्यान दे तो यहाँ पर लाखों लोग हर साल ये बॉर्डर क्रॉस करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं, लेकिन कुछ चंद ही ऐसे होते हैं जो सही सलामत ये बॉर्डर क्रॉस कर पाते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज तो यह है कि इसमें सबसे ज्यादा यानी कि 70% सिर्फ इंडियंस ही होते हैं। California, you? California. Where are you from? India. You? Where are you from? India. Where are you going? California. Punjabi. Where? Punjabi only. Where are you going? New York, California, where are you going? California. California? Where are you from? California. Where are you from? लेकिन आखिर क्यों? अब पंजाब और हरियाणा हमारे देश के ऐसे दो प्रोविंसेस हैं जिसके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाने का क्रेज सबसे ज्यादा देखा जाता है। और जैसे राजस्थान का कोटा एक JEE और नीट का बहुत बड़ा हब है, यहाँ पर 6,000 से भी ज्यादा IELTS के कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल है। IELTS एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, जिससे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाके पढ़ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल US, UK और कैनेडा। और हमारे इंडियंस लोग मैक्सिमम इन्हीं 3 कंट्रीज में माइग्रेट होते जा रहे हैं। एंड यू विल बी शॉक्ड कि ये IELTS का कोचिंग मार्केट 1100 करोड़ से भी बड़ा है, और यही चीज का फायदा यहाँ पर एजेंट्स उठाते हैं। एंड हियर कम्स द सैड पार्ट, हर बच्चा IELTS क्रैक नहीं कर पाता, और कई बच्चे तो कई बार लगातार ट्राई करते रहते हैं लेकिन फिर भी वो लोग क्रैक नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली जब उनके पास पैसा बहुत है लेकिन वो फिर भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है डोंकी रूट। चलिए जानते हैं कि आप में से किसी को अगर USA जाना है डोंकी रूट से तो वो कितना आसान होगा आपके लिए।
अब जो लोग ऑलरेडी डोंकी रूट का मतलब जानते हैं वो लोग जाते हैं एजेंट्स के पास और अपना मुंह मांगा अमाउंट उनको देते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, 20 लाख, 30 लाख, इवन 40 लाख भी। अब उनके ऑलरेडी वहाँ पर लैटिन अमेरिका में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इसीलिए वो लोग डायरेक्टली उनको वहीं पर भेजते हैं और फिर उनका डोंकी रूट शुरू होता है। लेकिन सपोज अगर किसी को डोंकी रूट का मतलब नहीं पता तो वो डायरेक्ट एजेंट के पास जाके यही बोलते हैं कि मुझे बस अमेरिका जाना है, और वो उसकी एप्लीकेशन ले भी लेता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बोल देता है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है तो आपको अब डोंकी रूट से जाना पड़ेगा, और वो उनको पूरा रूट समझा देता है। एंड कोई ऑप्शन ना बचने के कारण जो बेचारा बंदा होता है वो भी एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे इसी तरीके से अब जाना पड़ेगा। फिर दिल्ली या चंडीगढ़ एयरपोर्ट से आपकी जर्नी शुरू होगी और आपको ले जाके छोड़ दिया जाएगा किसी साउथ अमेरिका की रिमोट कंट्री में। अब मैक्सिमम टाइम या तो वो इक्वाडोर होगा या तो कोलंबिया। अब वहां पर आपको मिलेंगे नए एजेंट्स जो आपके पुराने एजेंट के साथ कनेक्टेड होंगे। फिर आप जितने भी लोग एक साथ आए हो उन सबको वो एजेंट लेके जाएगा बस में डेरियन गैप तक। फिर डेरियन गैप के बाद आपको पैदल 96 किलोमीटर पनामा के जंगल से निकल के जाना होता है, जहां पर बड़े बड़े माउंटेन्स और रिवर्स को भी आपको क्रॉस करना पड़ेगा और खूंखार जानवर आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिलेंगे। लेकिन पनामा का जंगल कुछ भी नहीं है, उसके बाद आने वाला है 770 किलोमीटर बड़ा एक बहुत बड़ा जंगल। अब जैसे जैसे आप लोग मेक्सिको के बॉर्डर के पास आते जाओगे आपको दिखने लगेगी डेड बॉडीज। हाँ, ये डेड बॉडीज उन्हीं लोगों की होगी जो लोग डोंकी रूट से मेक्सिको यूएसए बॉर्डर क्रॉस करने जा रहे थे। कम से कम भाई हम चले देखो 60 जने, 8 जने रह लिया हम ऊपर तक। अब क्योंकि ये जर्नी बहुत बड़ी होती है, आपको कई महीने सरवाइव करना पड़ता है, इसीलिए आप जो फूड लाए थे वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब रास्ते में एक दो रिवर्स ऐसी आ जाएगी जहां पर आप लोग पानी का जुगाड़ तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद खाना आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और बस ये एक दो रिवर के बाद आपको पूरे रास्ते में पानी का कोई सोर्स नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आप धीरे धीरे आगे जाते हैं आपको मिल सकते हैं बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो कि किडनैपिंग और मर्डर बहुत ही आसानी से कर देते हैं, और उनको मर्डर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप ऑलरेडी उनकी कंट्री में इलीगली घूम रहे हो, तो कोई अगर आपकी बॉडी देख भी लेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन चलो मान लेते हैं कि कुखार जानवर आदिवासियों और गैंगस्टर से आप लोग एक बार बच भी जाओ और आपको लगता है कि आप अपने एजेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा सेफ हो, तो ये चीज़ भी गलत है। क्योंकि कभी कभी एजेंट्स को लगता है कि ये रूट अभी बहुत लंबा है, लेकिन आप में से कोई अगर बीमार हो गया तो आपको वहीं जान से मार देंगे। हमने 2 महीने हो गए, हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। भाई देख, कोई बंदा अगर बीमार हो गया नहीं, एक बंदा अग्गा इनका एक बंदा पीछे, बीमार हो गया नहीं चलेगा, गिल्ली गोली ठोका भाई, अग्गा नहीं जाने देंगे जब अभी। तो महीनों तक सरवाइव कर लेने के बाद आप पहुंच जाते हो एक्चुअल यूएसए बॉर्डर पर, और यहाँ काम खत्म होता है हमारे एजेंट्स का। और जो एजेंट्स आपको इंडिया में बोल रहे थे कि भाई अभी हमको आधा पैसा दे दो, आधा हम बॉर्डर क्रॉस करवाने के बाद लेंगे, वही एजेंट्स आपको गन पॉइंट पे फोन करने बोलेंगे अपने घर पे कि भाई तू बोल दे कि मैं यूएसए बॉर्डर क्रॉस कर गया हूं। फिर ना चाहते हुए भी आप घर पे फोन करके बोल दोगे, एंड देन ही गॉट हिज मनी, ही वेंट अवे। यहाँ पर अब शुरू होती है कहानी डोंकर्स की, जो आपको एक्चुअल बॉर्डर क्रॉस करवाने वाले होते हैं, जो कि यूजुअली 100 से 150 डॉलर्स चार्ज करते हैं उस बॉर्डर को क्रॉस कराने के लिए। अब बॉर्डर क्रॉस करने के भी दो तरीके हैं, एक बॉर्डर पे बनी हुई बहुत ही बड़ी वॉल है जिसको क्लाइम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और दूसरी तरफ है एक रिवर। और दोनों जगह के डोंकर्स बहुत ही अलग अलग होते हैं और वो लोग का चार्ज भी अलग अलग होता है। अगर आप वॉल से जाओगे तो आपको ज़्यादा चार्ज लगेगा। अब मैक्सिकन अमेरिकन बॉर्डर इतनी बड़ी है जिसके अंदर अमेरिका के 3 स्टेट्स आते हैं, टेक्सस, कैलिफोर्निया, एरिजोना। इसीलिए यूएसए का इतने बड़े इलाके में पेट्रोलिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और यही चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं डोंकर्स। अब यहाँ पर भी आपने जैसे तैसे करके वो वॉल क्लाइंब करके या तो उस रिवर को क्रॉस करके जैसे तैसे आप पहुँच चुके हो फाइनली अमेरिका में। तो सॉरी टू से, लेकिन सीन यहाँ पर इतना आसान नहीं है। अब आपको वहाँ पर खड़े हुए वेट करना पड़ेगा पेट्रोलिंग पुलिस का, जो कि आएंगे और आपको उनको कन्फेस करना पड़ेगा कि आप अपनी कंट्री में सेफ नहीं हो और यहाँ पर एज एन रेफ्यूजी आए हो ताकि आप जिंदा रह सको। और वहाँ पर आपके साथ दो सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं। पहला, आपको डायरेक्ट डिपोर्ट कर सकते हैं वो लोग इंडिया के अंदर, यानी कि आपने जितनी भी मेहनत की, जितने भी पैसे लगाए, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। ये कहानी है 145 भारतीयों की, इन्हें अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की वजह से भारत डिपोर्ट किया गया है। रास्ते भर इनके हाथ पैर बंधे हुए थे जो प्लेन से उतरने के ठीक पहले खोले गए। जैसे ही एजेंट ने बोला था मैं कि यहाँ से वहाँ जाना है अमेरिका, डायरेक्ट जाते हैं यहाँ से, उन्होंने जंगलों के थ्रू भेज दिया, मैंने 18 लाख रुपए दे रखा है। दूसरा रास्ता ये है कि आपको वो 150 डेज के लिए डिटेंशन सेंटर में डाल दे, जो कि आपको मैक्सिको में ही रहना पड़ेगा, जहाँ पर रहकर आप अपना केस लड़ सकते हो।
और वहाँ पर वही सारे केस लड़ने के लिए भी लॉयर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, जो कि $10,000 से $25,000 के बीच में हो सकता है। अब आपको उस सेंटर में 150 डेज सर्वाइव करना है, तो आपके पास ऑब्वियसली कुछ खाने पीने के लिए पैसे तो होने चाहिए ना। तो वहाँ के लोग भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइट करेंगे। तो अब अगर आप कोई भी छोटी मोटी जॉब भी लेने जाओ तो आपको 60 से 70 घंटे काम करना पड़ेगा हर वीक, और जिसके अंदर भी आपको बहुत ही कम पैसा दिया जाएगा, जिसके अंदर आप सिर्फ सर्वाइव कर सको। अब US कनाडा के अंदर एक रूल है जहाँ पर आपको मिनिमम वेज रेट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल टोरंटो कनाडा का मिनिमम वेज रेट $20 पर आ रहा है, और अगर आप उससे कम पे कर रहे हो किसी भी जॉब के लिए किसी भी बंदे को, तो आप इलीगली उसको कम पैसा दे रहे हो। लेकिन वो बंदा ऑलरेडी आपकी कंट्री में इलीगली घुसने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पर सारे लोग अपनी मर्जी के हिसाब से उसको वेज रेट पे करते हैं। तो वो 150 डेज के अंदर अब USA को बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, जिसके अंदर वो यही इलीगल इमिग्रेंट्स से बहुत ज़्यादा लेबर वर्क करवाते हैं। तो अराउंड 4.2 मिलियन लोग हर साल ये काम करते हैं, एंड सैडली उसमें से 500,000 लोग इंडियंस होते हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि यही 4.2 मिलियन लोग $85 बिलियन का स्पेंडिंग पावर रखते हैं। और अगर यही सारे सिटीजन्स अगर USA के अंदर परमानेंट रेसिडेंट होकर आ जाए तो USA की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बूस्ट हो जाएगा। लेकिन ये सारा जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना, वो सिर्फ दो कंट्रीज के बीच का था, यानी कि USA और मैक्सिको। लेकिन अगर आप डंकी मूवी का पोस्टर देखो तो आपको मैंने बताया कि उसमें से जो लाइन होकर जा रही है वो काफ़ी सारी कंट्रीज के बीच में से होकर जा रही है। तो सोचो वो कितनी यूनिक स्टोरी लाइन उस मूवी के लिए बना रहे होंगे। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत तो वैल्यू मिली होगी, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि ऐसा ही और वैल्यूएबल कंटेंट हम लोग आपको आगे भी लाके दे सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी आर द फर्स्ट।